नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल पर। दोस्तों यहां पर आप हमारे सामने देख रहे हैं Redmi का ये Note 8 मॉडल। इस वीडियो के अंदर हम इसे अनबॉक्स नहीं कराने वाले हैं, बल्कि यहां पर हम जो है इसका गेमिंग परफॉर्मेंस को टेस्ट करेंगे। दोस्तों बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि एक बजट में रहकर गेमिंग के लिए बेहतरीन फोन कौन सा होगा, और मेरे हिसाब से मैंने काफी सारे फोन्स पर रिसर्च करी तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका बजट 10,000 के आसपास का हो तो Redmi Note 8 आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। प्रूफ के लिए हम यहां पर इसके साथ जो है अभी PUBG खेलकर देखने वाले हैं, और साथ ही साथ एक छोटा सा टेस्ट जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है वो ये है कि इसकी बैटरी की परफॉर्मेंस क्या रहेगी। हालांकि नॉर्मली तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, अनबॉक्सिंग ही इतनी ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं। यहां पर मैंने इसे फुल चार्ज कर लिया है। हम लोग यहां पर PUBG खेलकर देखेंगे और टाइमर लगा के रखेंगे कि देखते हैं कि कितनी बैटरी जो है यहां पर खत्म होती है एक सर्टेन टाइम में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा ताकि इसी तरीके से मजेदार इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। तो चलिए करते हैं इंस्टॉल इसमें PUBG को और मजा लेते हैं इसमें गेमिंग का। तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आप हमारे सामने Redmi Note 8 को देख रहे होंगे। अगर बात करते हैं यहाँ पर इसके लुक को तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन सा लगता है ये देखने में, लेकिन इसकी अनबॉक्सिंग के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर आप इसे चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल चलते हैं इस फ़ोन के अंदर। अगर बात करते हैं अभी बज रहे हैं यहाँ पर 8:40, और अगर देखें हम इसके परसेंटेज को तो दोस्तों यहाँ पर आपको हल्का सा जो है ये 100% देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों लगे हाथों यहाँ पर हम कर लेते हैं टाइमर को सेट। बिल्कुल मैं अभी इसे चार्जिंग से निकाल कर लाया हूँ, तो दोस्तों टाइमर को यहां पर मैंने स्टार्ट कर दिया है और साइड में रख देते हैं। अब दोस्तों फटाफट चलते हैं यहां पर ओपन करते हैं भैया PUBG को, देखनी होगी इसकी परफॉर्मेंस यहां पर क्या रहती है। तो सबसे पहले यहां पर अगर हम लोग देखेंगे जाकर इसके नॉर्मल मोड पर इसे चेक करेंगे कि नॉर्मल मोड पर परफॉर्मेंस क्या रहेगी इसकी गेमिंग की। इसके बाद हम इसकी हाईएस्ट सेटिंग पर इसे ले जाएंगे, वहां पर देखेंगे कि वहां पर इसकी परफॉर्मेंस क्या होने वाली है। तो दोस्तों फिलहाल ये मांग रहा है शायद अपडेट जैसा कुछ, लेकिन यहां पर हो रखी कुछ गड़बड़, वाईफाई नहीं ऑन था तो मैंने यहां पर वाईफाई ऑन कर लिया है। उसके बाद अगर हम देखें यहां पर इसका ग्राफिक्स का, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि बहुत लोग जो लोग इस्तेमाल कर चुके हैं तो वो बताते हैं कि ठीक ठाक यहां पर इसकी परफॉर्मेंस देखने में लगती है। तो दोस्तों फटाफट ये ओपन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोडिंग में, तो वेट करते हैं तब तक और चलते हैं भैया इसे करते हैं ओपन। यहां पर आप देख रहे हैं हमारा होम स्क्रीन आ चुकी है। जल्दी से इसे हम ले जाते हैं एक बार इसकी सेटिंग पर और देखते हैं कि यहां पर हमारे ग्राफिक्स किस पर लगे रहते हैं। तो दोस्तों अभी हम यहां पर स्मूथ ग्राफिक्स में जाते हैं और इसे हाई पर सेट कर लेते हैं और देखते हैं कि यहां पर इसकी परफॉर्मेंस क्या होने वाली है। तो मैंने जैसे ही इसे जो है इसे सेट करते हैं और यहां पर बात करी जाए, अगर एक बार स्टार्ट करा जाए गेम तो बहुत ही ज्यादा कमाल का यहां पर एक्सपीरियंस होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर गेम में लगी है फिलहाल अभी वेटिंग, अगर देखते हैं तब तक इसके फ्रेम ड्रॉप को, तो मुझे तो फिलहाल अभी इस पर इतना महसूस नहीं हो रहा है। स्मूथनेस की अगर बात करते हैं तो मुझे तो अभी फिलहाल ठीक लग रही है, क्योंकि मैंने इसे एक बार रीस्टार्ट कर लिया था खेलने से पहले और सारे जो बैकग्राउंड ऐप्स थे उनको भी बंद करके रखा हुआ है ताकि यहाँ पर जो है हमें इसकी बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिले। और यहाँ पर मैं जल्दी से लोकेशन कर लेता हूँ मार्क और देखते हैं कि क्या रहता है भाई, क्या मज़ा आता है। हालांकि मैं PUBG का बहुत अच्छा प्लेयर तो नहीं हूँ और ज़्यादा मैंने PUBG खेलना मिलना भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक मज़े ले लेते हैं। तो फिलहाल अभी हम जो है करने वाले हैं जंप और लोकेशन कर ली है मार्क, और जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचूँगा फट से कूद जाऊँगा। तो देखते हैं कि क्या आने वाला है मज़ा। तो जल्दी से करता हूँ जंप, कोशिश तो यही रहेगी कि आ जाए चिकन डिनर किया जाए, लेकिन देखते हैं क्या होता है। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो मुझे हल्का सा फ्रेम ड्रॉप जो है देखने में लग रहा है, ठीक रहता है वैसे, ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, लेकिन अब देखना ये होगा ना कि स्मूथनेस किस हद तक रहती है, क्योंकि यहाँ पर तो अभी हमने इसे नॉर्मल मोड पर चला रहे हैं, यानी कि जो स्मूथ वाला मोड है उस पर चला रहे हैं। बैलेंस वाले पे क्या रहेगी इसकी परफॉर्मेंस, ये भी एक गौर करने वाली बात होगी। लेकिन फटाफट जो है जल्दी से यहाँ पर करते हैं जंप और थोड़ी बहुत लूट हो जाए, इसके बाद जो है मज़ा लेंगे जो है इस गेम का। तो दोस्तों चल रहा है टाइमर भी हमारा लगभग यहाँ पर साथ ही में, और मैं यहाँ पर इस क्लिप को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आप जो है जल्दी से जल्दी इसका जो है मज़ा ले पाएँ।
तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम इसकी स्मूथनेस को देखें तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस राउंड में, अच्छी खासी लूट भी हो चुकी है। अब मैं रहा यहाँ पर जो है मज़े ले रहा हूँ गेम के, लेकिन दोस्तों अभी जो है काफ़ी, अभी सिर्फ 10 मिनट ही हुए हैं यहाँ पर इसको खेलते हुए, तो अभी मैं थोड़ा सा और जो है मज़े लेता हूँ इस गेम के, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या रहती है इसकी परफॉर्मेंस। तो दोस्तों गेम आ चुका है एकदम क्रूशियल स्टेज पर, और दोस्तों यहाँ पर सिर्फ 3 लोग बचे हैं और तगड़ा का जो है गेम यहाँ पर चल रहा है। तो मैं आवाज़ थोड़ी धीमे कर लेता हूँ ताकि आप जो है हमारी आवाज़ को भी सुन सकें। और दोस्तों यहाँ पर एयर ड्रॉप हुआ था और यहीं पे हम लोग जो है निशाने मार रहे हैं, हमारे साथ एक हमारा टीममेट और है और सिर्फ एक ही व्यक्ति जो है यहाँ पर अभी ज़िंदा है, उसे ढूंढ कर जो है और मारेंगे, तो यकीनन जो है आज चिकन डिनर तो एकदम तय है। तो दोस्तों देखते हैं क्या होता है, काफ़ी जो है ज़ोर शोर से जो है उसको ढूँढ रहे हैं हम लोग भी, क्या रहता है यहाँ पर खेल, देखना ये होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है चिकन डिनर हो गया है हमारा, आप देख सकते हैं मज़ेदार जो है यहाँ पर रहता है खेल। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो था हमारा ये स्मूथ में था और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया इस खेल में। तो दोस्तों यकीनन आपने भी इंजॉय किया होगा इसे और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये गेम तो रहा ही, तो थोड़ा जश्न मना लेते हैं इसी खुशी में और उसके बाद इसको जो है इसके बैलेंस मोड पर ट्राई करके देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कैमरे की बैटरी भी हो गई है डिस्चार्ज लगे हाथों और गेम भी हो गया है, ये गए हैं जीत। तो चले दोस्तों इसकी सेकेंड फेज की टेस्टिंग करते हैं और खेलते हैं इसकी बैलेंस्ड जो है ग्राफिक्स के साथ। तो दोस्तों पिछले वाले गेम में तो मज़ा ही आ गया और दोस्तों यहाँ पर मैंने जो है इसके ग्राफिक्स को भी बदल लिया है, इसकी हायर कॉन्फ़िगरेशन पर ले आए हैं। और अगर बात करते हैं यहाँ पर मैंने बैलेंस में जाकर जो है ये आपका जो है मीडियम सिलेक्ट करके रखा हुआ है। तो दोस्तों चलते हैं फटाफट यहाँ पर इसका मज़ा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मैंने इससे जो है कर लिया था पॉज, तो दोस्तों यहाँ पर कर लेते हैं जल्दी से रिज्यूम। पिछले वाले गेम में हमें जो है 32 मिनट के आसपास समय लगा था और यहाँ पर मैंने फिर से रिज्यूम कर दिया है, अब देखना ये होगा कि इसकी परफॉर्मेंस कहाँ जाती है। और दोस्तों 32 मिनट में जो है ये 93% तक पहुँच गया था, ये भी चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी होगी। तो गेम को शुरुआत करते हैं गेम की, अब यहाँ पर देखना होगा कि ग्राफिक्स की कॉन्फ़िगरेशंस क्या रहती हैं। और दोस्तों लास्ट मैच में तो जो है चिकन डिनर मिल गया था, अब देखना ये होगा कि इस मैच में क्या होने वाला है। तो जल्दी से चलते हैं गेम में एंटर करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ग्राफिक्स की परफॉर्मेंस यहाँ पर कैसी होने वाली है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो इसका बेसिक मोड था वहाँ पर, तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रहा था, मुझे तो कम से कम कोई भी फ्रेम का गैप देखने को नहीं मिला, कोई भी फ्रेम यहाँ पर ड्रॉप नहीं होता हुआ कम से कम देखा है। लेकिन हाँ मुझे यहाँ पर इस मोड में यकीनन मुझे ऐसा थोड़ा सा लग रहा है कि उतनी ज़्यादा स्मूथनेस नहीं है, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो कहीं ना कहीं हल्का सा फ्रेम ड्रॉप आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि कहीं ना कहीं जो इसकी अभी हाईएस्ट सेटिंग्स हैं वो कहीं इसको सपोर्ट नहीं करती हैं। चूँकि यहाँ पर जो इसकी रेंज देखी जाए तो ये भी बेसिक रेंज का फ़ोन होता है, ज़्यादा तो यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन दे नहीं रखी होती हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको अगर बात करते हैं इसका जो बेसिक मोड होता है वहाँ पर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पर फ्रेम ड्रॉप है, लेकिन बहुत हल्का सा है, बट है जरूर, यानी कि वो स्मूथनेस आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो यकीनन दोस्तों अभी तो मैं जा रहा हूं उस गेम का मजा लेने, और दोस्तों अगर हम बात करते हैं समय हो रहा है लगभग 33 मिनट 36 सेकंड, यानी कि 34 मिनट मान लेते हैं, और अगर देखते हैं बैटरी परसेंटेज को तो ये 93% रहती है। तो दोस्तों अभी हम जो है यहां पर गेम का मजा लेंगे, लेकिन उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या रहती है इसकी परफॉर्मेंस गेम के बाद में। तो चलिए फटाफट मजा लेते हैं इस गेम का। तो दोस्तों यहाँ पर कर लिया है मैंने जंप, अब देखना ये होगा कि क्या मज़े आते हैं। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मुझे ग्राफिक्स में यहाँ पर ऊपर नीचे देखने को लग रहा है, हालांकि उतनी अच्छी स्मूथनेस नहीं आ रही है जितना मैं सोच के चला था, क्योंकि जो इसके पहले वाला मोड था वो बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं एडवांस था, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कर चुका हूँ यहाँ पर लैंड, अब देखना ये होगा कि यहाँ पर क्या मज़ा आने वाला है। तो फटाफट थोड़ी बहुत लूट हो जाए और उसके बाद देखते हैं कि क्या मज़े लेने हैं भाई गेम के। तो देखते हैं यहाँ पे आसपास कुछ मिल सकता है कि नहीं। दोस्तों फ्रेम ड्रॉप वाकई काफ़ी ज़्यादा है, चूँकि मैं अपने S9 में खेलता हूँ और वहाँ पर जो है मुझे बहुत अच्छी स्मूथनेस देखने को मिलती है, तो उसको देखते हुए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको जो है ऑकवर्ड लगेगा ही, जो कि एकदम तय बात भी है, लेकिन फिर भी ठीक ही रहता है ये आपका। तो चलिए दोस्तों गेम के मज़े लेते हैं, देखना ये होगा कि क्या रहता है यहाँ पर खास।
तो दोस्तों यहाँ पर ये वाला गेम भी हो गया है खत्म। और अगर यहाँ पर देखा जाए भाई बैटरी के परसेंटेज को, तो यहाँ पर 90% बैटरी रहती है और लगभग 46 मिनट तक, लगभग 47 मिनट आप मान लीजिए, 5 सेकेंड और बचे हैं लगभग, इसका लगातार इस्तेमाल किया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार परफॉर्मेंस रहती है यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर फ्रेम ड्रॉप देखने को मिला है, लेकिन फिर भी कोई मेजर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला है। तो ओवरऑल मेरे जो है एक्सपीरियंस इस फोन के बारे में यही है कि आप इसका इस्तेमाल पबजी के लिए कर सकते हैं। हालांकि आपको उतनी ज़्यादा स्मूथनेस नहीं देखने को मिलेगी, बट फिर भी मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों मेरी तरफ से तो एकदम ओके हो जाता है ये पबजी के लिए। तो यहाँ पर मैं स्टॉप वॉच को कर लेता हूँ बंद। और अगर आपने इसकी अनबॉक्सिंग ना देखी हो तो आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, जहां से जाकर आप जो है इसे देख सकते हैं। और वहीं दोस्तों अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।